बहुत पवन सिंह के फैन दो दिन से लकीर लकीर चिल्ला रहे, तो आगो आज तुम सबके दिखाते असली औकात कि कौन कितना बच रहा है। और हमने यूट्यूब के डाटा बताता है कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह से ज्यादा बच रहे हैं, और उन सभी के गाल पे तमाचा हो गया जिसको लगता है ट्रेंडिंग स्टार जानबूझकर विवाद कर अपना गाना के व्यू बढ़वाना चाहते हैं या उनके अचानक खत्म हो गया है, तो आप वो सच्चाई से रूबरू करवाते हैं कौन है भोजपुरी के असली किंग। तो जैसे कि आप सभी को तो पता ही होगा कि यूट्यूब चार्ट सभी सिंगर के गाने के रैंक देता है और बीक अपडेट करता है कि किसका गाना लोग ज्यादा सुन रहे हैं, किसको लोग पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले तो टॉप आर्टिस्ट में पवन सिंह तो 10 में तो आ गए भैया, लेकिन 10वें नंबर पर है वही खेसारी लाल यादव, 8वें नंबर पे वही ना बात। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब आओ ना दिखाते हैं एक सप्ताह में कितना मिलियन किसका सबसे ज्यादा गाना सुना जा रहा है। तो पवन सिंह की 131 मिलियन यानी 13.1 करोड़ ही लोग सुनते हैं, तो खेसारी लाल यादव की 151 मिलियन यानी 15.1 करोड़ लोग सुनते हैं। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क। अगर एक महीना की बात करें ना भाई, तो 514 मिलियन लोग पवन सिंह के सुनते हैं, मतलब 51 करोड़। तो खेसारी लाल यादव के 598 मिलियन सुनते हैं, मतलब 59.8 करोड़। कहाँ से बराबरी कर पाओगे बबुआ, अभी आओ ना 3 महीना की रिपोर्ट दिखाते हैं। 159 करोड़ लोग सुने पवन सिंह के पिछले 3 महीना में, तो खेसारी लाल यादव के पता है जानकर होश उड़ जाएगा, 185 करोड़ लोग सुने। अब बताओ लकीर और पावर कहाँ से आता है। और इतना ही नहीं, इस बिकली टॉप 20 में गाना दोनों में से किसी के नहीं है, लेकिन 21वें और 22वें में खेसारी है, पवन सिंह सीधे 32वें नंबर पे है। नहीं हमको बताओ किस बात के पावर स्टार और कैसा सिंगर भाई, जो कहता है मेरे लिए फिल्म या एक्टिंग मायने नहीं रखता, मैं सिंगर हूँ, फिर खेसारी लाल यादव से हर जगह पीछे क्यों है, जबकि खेसारी लाल यादव ऑलराउंडर है, गाने के साथ फिल्में भी लगातार कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव के कुछ महीना गाना गाने से बैन था, गाने नहीं आ रहे थे, फिर भी ये बंदा के कोई झुका नहीं पाया। यूट्यूब ने अपने डाटा से ये साबित कर दिया कि असली लकीर तो ट्रेंडिंग स्टार ही खींचा है भोजपुरी के बादशाह खेसारी लाल यादव। ये फिर भी कहोगे नहीं ट्रेंडिंग स्टार के गाने नहीं चल रहे, तो ऐसा होता है क्या, मुंह से फेंक देने से कोई अंबानी नहीं बन जाता, मेहनत और डाटा भी शो करना पड़ता है, जो तुम सब भी गूगल पे जाकर सर्च कर ले कौन किसके लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बाकी मैं शांत हूँ तो शांति रहने दो, नहीं तो फेकू स्टार से संबोधित करने में देर नहीं लगेगा। बाकी ये वीडियो उन सभी के जरूर दिखाना जो कल से एक माइक पकड़ के ज्ञान बांट रहे खेसारी लाल यादव के गाना नहीं चल रहा था इसलिए विवाद चाहते हैं। तो बबुआ किसका गाना नहीं चल रहा था वो तो यूट्यूब ही बता रहा है।